थे जो यहाँ हमारे पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता थे, कॉमरेड नृपेन चक्रवर्ती, कॉमरेड दशरथ देव, कॉमरेड बीरेन दत्ता, उन सबके छत्र छाया में काम करके उन्होंने पार्टी का काम करने का तरीका सीखा। और कॉमरेड बिजोंदर के ये खूबी थी कि वो मार्क्सवाद को अध्ययन करके, उसको ग्रहण करके कम्युनिस्ट पार्टी और आंदोलन के निर्माण में उसको इस्तेमाल किया। तो आज हमारे सामने ये सवाल उठता है कि दो साथी, एक हमारे पार्टी के सेक्रेटरी कॉमरेड गौतम दास, हमारे पार्टी के केंद्र कमेटी मेंबर, और कॉमरेड बिजोंदर, जो लंबे समय के लिए हमारे पार्टी के सेक्रेटरी और नेतृत्वकारी साथी थे, ये दोनों हमारे बीच में नहीं रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगरतला में आऊंगा ऐसे वक्त पर जब ये दो साथी मौजूद थे हमारे बीच में, और ऐसे समय जब पार्टी और वामपंथी आंदोलन के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कॉमरेड बिजोंदर एक ऐसे नेता थे जब पार्टी और आंदोलन जब ऊपर के लहर तक पहुंच गया, तब भी वो पार्टी के नेतृत्वकारी कार्य था और पार्टी को पीछे करने के लिए, दबाने के लिए, और जब हमारा आंदोलन में हमारा स्तर नीचे गया आतंक के कारण, हमले के कारण, जैसे 1988 से लेके 1993 तक 5 साल का आतंक जब था, उस समय भी वो पार्टी के नेता थे, उसके बाद भी नेता थे जब हमारा आंदोलन आगे बढ़ा। ये हमारे ये एक लीडरशिप का टेस्ट है, कैरेक्टर है।